बुलबुला रहा है, पता नहीं क्या है। अरे चूहा रे बच्चा। सो गाइस मेरे साथ पोपट हो गया गाइस, बेबी पोपट हो गया। ये ब्रश है ना ब्रश, इसका एक पता नहीं कौन सा टुकड़ा ना मेरे दांत के मसूड़े जो होते हैं ना उसके अंदर फंस गया, निकल नहीं रहा। गिर मत जियो। ये देखो गाइस, ये एकदम पतला सा बारीक ब्रश का जो होता है ना झाड़ू टाइप का, ये मुंह में अटक गया था यार। अब ये पक्का ब्लॉग है गाइस। चुचुंदर तो नहीं रहे, पता नहीं क्या है, किसकी चड्डी है। उतारो उतारो गाइस, देखो इसके अंदर कुलबुला रहा है, पता नहीं क्या है। अरे चूहा रे बच्चा रे। मर गया कि जिंदा है? मरा नहीं रे बच्चा। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? अरे गाइस देखो छोटे छोटे बच्चे, अरे बाकी अंडरवियर में छुप गया गाइस। छी 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 गई, बुढ़ाओ मार देंगे मेरे को। धो इसको। गया किधर? चूहा किधर गया? नीचे गिरी कि मर गया? कैसे पापा के अंडरवियर में गाइस, पता नहीं कब से। चूहे को गाइस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो वो मेरे पापा के कच्चे के अंदर जाके आराम कर रहा था गाइस। सो हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। तो एक्चुअली ये जो कच्चा यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये कच्चा मेरे पापा पहनते नहीं, ये कच्चा कहीं ना कहीं कोने में इधर उधर फेंका पड़ा रहता है और वो गीला रहता है, और ये पोछा है गाइस। तो पोछे के अंदर जब गर्मी ज्यादा हो रही है तो चूहे को कहीं ना कहीं एसी की तो हवा मिलेगी नहीं। तो भाई साहब चूहे ने देखा कि चलो कहीं तो हमारे घर के अंदर कूलर और पंखा तो लगा नहीं है, चलो इसी के अंदर ठंडक प्रदान कर लेते हैं। तो गाइस अभी दिखाया मैंने आपको, तो इसलिए चूहा आदान मतलब अपने आपको ठंडक प्रदान करने के लिए कच्चे के अंदर घुस गया। फिलहाल मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सो आज है संडे, और संडे वैसे सभी के लिए फंडे होता है, बट गाइस मेरे लिए कोई भी फंडे नहीं है। तो ब्लॉग देखते रहो, एंजॉय करते रहो। तो गाइज ये आया है चावल, और ये है अंडा का बना हुआ। क्या बना हुआ है? अंडा करी कहेंगे या आमलेट का जो तरी लगा देते ना वो है। लाओ मैं ले लेता हूँ। लाओ लो आराम से। अरे यार कितने भी बचाने की कोशिश करूँ गाइज मेरे से ना थोड़ा बहुत गिर जाता है। और ये देखो गाइज आखिरकार गिर ही गया, लेकिन अच्छा है कि प्लेट था इसके अंदर। तो गाइज खाना तो हमने ले लिया, लेकिन गाइज सीरियसली मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। ओह नो। और मैडम तुम ब्रश कर चुकी हो ना? ओहो। और यहाँ गाइज मैडम तो ब्रश क्या करना नहा भी चुकी है, तो इधर कहीं ब्रश नहीं है। सो गाइज मेरे साथ पोपट हो गया गाइज, बेबी पोपट हो गया। ये ब्रश है ना ब्रश, इसका एक पता नहीं कौन सा टुकड़ा ना मेरे दांत के मसूड़े जो होते हैं ना उसके अंदर फंस गया, निकल नहीं रहा। ब्रश तो ऐसे भी खराब है, कितनी देर कितने टाइम से बोल रही हूँ कि नया ब्रश है। यार ये नया ही ब्रश था गाइस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको चलाते हुए, इसको ज्यादा ज्यादा पांच महीने भी ज्यादा बोल दिया, 4 महीने हुए होंगे। और ये भैंस सस्ता वाला थोड़ी यार, ओरल भी का ब्रश है, इसका एक झाड़ू पता नहीं कौन सा तिल्ला टूट के ना मेरे पता नहीं आपको तो ऐसे भी दिखाई नहीं देगा अंदर अटक गया गाइस। खैर अब सड़ के ही निकलेगा, इसको रख देता हूँ। तो चलो गाइस अब जा रहा हूँ मैं खाना खाने दोपहर का। फैन ऑन करो तुम। अरे फैन ऑन करना बहुत जरूरी है गाइस। सो फाइनली गाइस ये देखो, ये हल्का हल्का सा बारीक टाइप का आपको दिखाई दे रहा है? अरे यार कहाँ, ये मत जियो। ये देखो गाइस, ये एकदम पतला सा बारीक ब्रश का जो होता है ना झाड़ू टाइप का, ये मुंह में अटक गया था यार, फेंको इसको। सो फाइनली गाइज निकाल दिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मैडम का। और यहाँ पर गाइज मैं लंच वंच दोपहर का करके फिनिश कर चुका हूँ, और आज पूरा दिन वैसे क्या करना है पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है, देखते जाओ क्या होता है। वैसे तो कल जो ब्लॉग शूट किया हुआ उसे एडिट करना होगा, और ऐसे आज संडे है तो मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर जाके घूमने के लिए, बट अभी तक मैं बाहर कहीं निकला नहीं हूँ। बाकी आगे का क्या सीन है कुछ मालूम नहीं है, देखते हैं। और फाइनली गाइस मुंह के अंदर ना बहुत ज्यादा कचरा वचरा जम रखा था, तो कुल्ला उल्ला कर लिया, दाल दाल सी हो रही थी मुंह, पता नहीं मैडम को बदबू सी आ रही थी। तो इसीलिए ना दांत हमारे जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पीले पीले जो खाने के चावल होते हैं दाल लेते हैं तो सब ना कहीं फंस जाते हैं, तो फिर मसूड़े खराब होने के ज्यादा डर रहता है। तो खाना खाने के बाद हमेशा मुझे कुल्ला कर लेना चाहिए, बाकी कभी कभी जल्दीबाजी में कर नहीं पाता। सो गुड इवनिंग गाइस, शाम के 6:30 बज रहे हैं, काफी देर तक मैं सो गया गाइस। ऐसे करते टाइम मुझे प्राइम गेस्ट की बहुत याद आती है गाइस, वे प्रोटीन खाओ या माई प्रोटीन खाओ, जब आपको मन करे वो खाओ। ये सुबह का ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा फायदा मंद करता है ब्रेक प्रोटीन, अगर आपको बॉडी बनानी है मस्त वाली हाथ वाली प्राइम गेस्ट की।
सो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। आई एम राहुल पासवान और आप सबका फिर से स्वागत है नए दिन में, एक नई सुबह में। सो गाइस, आज का दिन क्या है, क्या सीन है, कुछ पता नहीं है, बस क्या करने वाला हूँ बाकी। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। दोपहर में काफी ज्यादा मैं सो गया था और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक ना जो मैंने कल ब्लॉग शूट किया था ना, वो बिल्कुल भी एडिट नहीं किया, तो जा रहा हूँ एडिट करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो फिलहाल गाइज, एडिटिंग का काम हो चुका है खत्म और मैंने सुबह से आपको नीचे का कोई भी नजारा दिखाया नहीं है, तो बाकी अभी सिस्टम को बंद करता हूँ और चलता हूँ नीचे और देखते हैं किचन में आज क्या बन रहा है खाने को। तो बाकी गाइज, यहाँ देखो मैडम बना रही है खाना और ये एक चूल्हा आज आपको नजर आएगा, बाकी अगली वीडियो में नजर आएगा आपको कि जो दो चूल्हे थे ना हमारे घर के अंदर, वो एक कैसे हो गए, क्योंकि इसमें आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो अभी बन रही है भिंडी की सब्जी और रोटी बनेगी बेबी, और रोटी बनेगी। और जैसे देखो गाइस, टीवी चल रहा है बट कोई टीवी देखने वाला यहाँ पर व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है ना, और फैन भी चल रहा है, वो देखो स्लो मोशन में फैन चल रहा है, कोई है नहीं। बंद करो इसे, टीवी कोई देखेगा नहीं, बंद करो इसे। तुम टीवी देख रही थी, देख देख के सब्जी बना रही थी। अच्छा, तो गाइस एक्चुअली मैडम टीवी देख देख के सब्जी बना रही थी, तो मैंने तो टीवी बंद कर दी बेबी, ऑन कर दूं हैं, खुद ही कर लूंगी ऑन। कर लो क्या, रेडी ना हो मतलब ब्लॉग में आने के लिए तैयार होने की जरूरत पड़ती है, मेकअप वेकअप करना पड़ता है। अब ये पक्का ब्लॉग गाइस कह रही है ब्लॉग में आने के लिए रेडी वेडी हो गया चेहरा, ये क्या भैया भूसड़ी की तरह ब्लॉग में ऐड कर लेता है भैया, कम से कम मेकअप को पोत लूं तब आऊं। ऐसा होता है क्या यार, ब्लॉग तो ब्लॉग की तरह होना चाहिए, रियल दिखना चाहिए अब इसमें। अच्छा तुम्हें मेकअप करना है तो कर लो तुम मेकअप। और हर बार की तरह गाइस, ये देखो इतना सारा आटा गूंदा पड़ा हुआ है और यहाँ पे चकला भी रख चुका है। और गाइस आज करिश्मा यानी कि हमारी आस्था सिस्टर बनाएगी आज रोटी। गाइस आज मैं आराम करने वाला हूँ, गाइस आज करिश्मा ही रोटी बनाएगी। करिश्मा देखो गाइस, आ गई करिश्मा किचन के अंदर। करिश्मा रोटी तुम बनाने जा रही हो ना, बाकी गाइस इधर देखो, करिश्मा से पूछते हैं इसके अंदर कितनी रोटियां बन जाएगी इसमें। पहली का तो मैं गिनती नहीं हूँ, तो फिर भी तुम्हें 20 बन जाएगी ना, 20 रोटियां बन जाएगी इसके अंदर। सो गाइस इसके अंदर 20 रोटियां बन जाएगी, लेकिन आप जैसे लोग इसके अंदर कम से कम तो 30-35 रोटियां बना दोगे, लेकिन हमारे घर के अंदर गाइस रोटियां जो बनती है थोड़ी सी मोटी होती है, उसकी थिकनेस मोटी होती है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर रोटी बनेगी 23 रोटी बन जाएगी गाइस। तो देखते हैं कितनी रोटी बनती है, लास्ट टाइम मैं आपको गिनवा दूंगा। तो सबसे पहले करिश्मा को थोड़ा काम करने देना चाहिए और फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। रेडी है। बाकी गाइज आज का ब्लॉग बस इतना ही था, आई होप यू गाइज कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इससे काफी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर। तो फिलहाल गाइज एडिटिंग का काम हो चुका है खत्म और मैंने सुबह से आपको नीचे का कोई भी नजारा दिखाया नहीं है, तो बाकी अभी सिस्टम को बंद करता हूँ और चलता हूँ नीचे और देखते हैं किचन में आज क्या बन रहा है खाने को।